हेलो फ्रेंड्स, हम लोग चैप्टर 6 त्रिभुज स्टार्ट कर चुके हैं। इसमें आज हम लोग देखेंगे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, जिसको थेल्स प्रमेय भी कहा जाता है। तो इसके पहले हम लोगों ने देखा समरूपता के बारे में बात कर रहे थे। तो समरूपता में क्या होता है, दो फिगर जब समरूप होते हैं तो उनका जो एंगल होता है वो चेंज नहीं होता, जो उसके संगत कोण होते हैं वो कभी चेंज नहीं होते। क्या होता है, संगत भुजाएं एक समान अनुपात में बढ़ जाती हैं या घट जाती हैं। तो हम लोगों ने निकाला था कि जो दो बहुभुज अगर समरूप होंगे तो उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट किए थे कि त्रिभुजों की समरूपता के बारे में। तो त्रिभुज भी बहुभुज है, तो त्रिभुजों की समरूपता के लिए भी दो चीज़ें होनी चाहिए कि दो त्रिभुज अगर समरूप हैं तो दोनों के संगत कोण बराबर होने चाहिए और दोनों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। ये दो क्राइटेरिया त्रिभुज पे भी लगाएंगे। लेकिन थेल्स ने बताया कि अगर दो त्रिभुज समान कोणिक हैं, यानी दो त्रिभुज ऐसे हैं कि दोनों के कोण समान हैं, तो फिर उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, समान होगा अपने आप। यानी दोनों क्राइटेरिया लेके चलने की ज़रूरत नहीं है त्रिभुजों की समरूपता के लिए कि आप पहले संगत कोण डिसाइड करिए कि बराबर है, फिर संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, तब आप कहें कि समरूप है। तो हम लोग पहले इसको सिद्ध करेंगे कि थेल्स ने ये कंक्लूजन कहाँ से निकाला था। तो उसको बोलते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या थेल्स थ्योरम भी कहा जाता है। तो इसका ये थ्योरम होता क्या है, ये थ्योरम बेसिकली होता है कि अगर कोई भी ट्रायंगल है आपका, कोई भी ट्रायंगल एबीसी है, आप क्या करें, किसी भी एक साइड की पैरेलल कोई भी रेखा खींचे, बीसी के समांतर मान ले खींचते हैं एक, ये डी और ई बिंदुओं पे काटती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, बीसी डी हम लोगों ने कैसे खींचा, डी समांतर बीसी, तो ये डी और ये दो बिंदुओं पे कट करती है इन दोनों साइड को। तो इन्होंने कहा कि अगर समांतर आप खींचेंगे तो ए डी अपान डी बी बराबर ए अपान सी, यही पूरा स्टेटमेंट है आपका, पूरा कंक्लूजन यही है आपका जो अभी पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। उसका क्या है कि त्रिभुज की किसी भी भुजा के समांतर जो रेखा दोनों भुजाओं को जिस पॉइंट पे कट करती है वो बिंदु क्या होते हैं, दोनों समानुपाती होते हैं। यानी ए डी अपान डी बी बराबर ए अपान सी, ये बेसिक सा थ्योरम है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका स्टेटमेंट देखेंगे और इसको प्रूव भी करेंगे। तो इसको प्रूव करने के लिए एक दो बातें हमें जानना जरूरी है। आपका कोई ट्रायंगल ए बी सी है, आपको क्या निकालना है, निकालना है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है 1/2 इंटू आधार इंटू संगत ऊंचाई। तो संगत ऊंचाई क्या होती है, अगर आप BC को आधार माने तो A से क्या करें, इस साइड पे परपेंडिकुलर ड्रा करें लंब रेखा, और ये आपका जो लेंथ है AL, ये क्या हो जाएगा, संगत ऊंचाई। तो इसका जो एरिया हो जाएगा हाफ आधार आपका BC, और BC की संगत क्या है, AL है। यानी जो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग लेते हैं तो क्या होता है, हाफ आधार इंटू संगत ऊंचाई। अगर आप इसको आधार माने तो यहाँ से एक लंब खींचा जाना चाहिए, ये इस पे ये लंबवत दूरी हो जाएगी। तो इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं, हाफ एसी आपका आधार एसी हो गया, तो लंबवत दूरी क्या होगी, बीएम, एसी इंटू बीएम। तो एक चीज़ तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल लिखते हैं वो क्या होता है, हाफ आधार इंटू संगत ऊंचाई, एक चीज़ ये हो गया।
और त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल है इसको शॉर्ट में हम लोग ऐसे लिख देते हैं, एरिया ट्रायंगल एबीसी, एरिया ट्रायंगल एबीसी, ये क्या लिखा है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल शॉर्ट में, तो इसको भी यूज करेंगे हम लोग। और एक पॉइंट और हम लोग देख लेते हैं, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, कि हम लोगों ने देखा कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है ये लंब है एल, तो एरिया ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, हाफ आधार बीसी, ये जो लेंथ होगा आधार, और ऊंचाई क्या होता है, सामने वाले शीर्ष से उस आधार पे जो लंब रेखा डाली जाती है उसकी लंबाई, वो क्या होती है, संगत ऊंचाई, तो हाफ बीसी इंटू एल, ये आपका एरिया हो गया। यानी हमारा जो त्रिभुज का क्षेत्रफल डिपेंड करता है वो आधार पे डिपेंड करता है और संगत ऊंचाई पे डिपेंड करता है। यानी दो त्रिभुज ऐसे हो जिनका आधार और संगत ऊंचाई बराबर हो तो क्या होगा, एरिया सेम होगा। देखिए कैसे, हम लोगों ने क्या किया, दो समांतर रेखाएं ले ली, ये दो लाइन है एल और एम, किस प्रकार है, एल और एम पैरेलल हैं, समांतर रेखाएं हैं। समांतर रेखाओं का मतलब क्या होता है, कि समांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी फिक्स रहती है, आप कहीं पे भी लंबवत दूरी निकालेंगे तो ये क्या होगा, फिक्स रहेगा। अगर ये लेंथ ए आया तो आप यहां भी निकालेंगे लंबवत दूरी, ये भी क्या आएगा, ए ही आएगा, तो ये समांतर रेखाओं की खासियत होती है। तो हमने दो समांतर रेखाएं ले लिया, ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं, इस त्रिभुज का नाम देते हैं ए बी सी, तो एरिया ट्रायंगल ए बी सी ये क्या होगा, हाफ आधार बी सी इंटू संगत ऊंचाई, संगत ऊंचाई क्या होगी, यहां से आप इस पे लंब डालेंगे ए क्यू मान लिए, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ बी सी इंटू ए क्यू। अब आप अगर बी सी को ही आधार मान के एक दूसरा त्रिभुज खींचें जिसका शीर्ष क्या हो, इसी पे हो, ये इसको हम लोगों ने नाम दे दिया पी बी सी हो गया। अब एरिया ट्रायंगल पी बी सी क्या लिखेंगे, हाफ आधार तो उसका क्या है, बी सी ही है, हाफ आधार बी सी इंटू ऊंचाई, संगत ऊंचाई का मतलब कि इन ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये एस मान लेते हैं, तो इंटू एल एस, तो आपको पता है कि ये जो पी एस, आपको पता है कि ये जो PS की दूरी होगी और AQ बराबर होगा। PS और AQ बराबर क्यों होगा, क्योंकि अगर दो समांतर रेखाओं के बीच में आपने बनाया है तो उनके बीच का जो लंबवत दूरी है वो चाहे यहाँ पे निकालिए, चाहे यहाँ पे निकालिए, चाहे यहाँ पे, तो हमको पता है कि PS बराबर क्या है, PS बराबर AQ, यानी AQ और PS बराबर हैं, तो AQ बराबर AQ और ये PS बराबर हैं, तो यहाँ से अगर AQ की जगह PS लिख दिया जाएगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ये क्या आएगा, हाफ बी सी इंटू पी एस, और यही क्या है, यही एरिया ट्रायंगल पी बी सी है। यानी ये एक थ्योरम आता है आपका नाइन्थ क्लास में है कि एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के बने बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। तो ये रीजन पूरा हमने एक्सप्लेन कर दिया, तो इसका यूज करेंगे कि अगर आधार सेम है और दोनों के बीच में जो लाइनें हैं समांतर हैं तो कोई भी त्रिभुज आप बनाइए सबका एरिया क्या होगा, सेम होगा। तो
तो ये थ्योरम होता है हम लोगों का, इसका भी यूज किया जाएगा। तो अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, एक दो बना देता हूं मैं। ये L लाइन है, A M लाइन है, L समांतर M है, और आपने ये कोई आधार लिया, एक ट्रायंगल आपने ये बनाया A B C, एक त्रिभुज A B C बनाया आप, कोई फिर उसी आधार पे कोई दूसरा त्रिभुज PBC बनाइए। तो इसको लिख लीजिए कि एरिया ट्रायंगल ABC बराबर एरिया ट्रायंगल ABC, क्योंकि बराबर आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, क्योंकि आधार सेम है और लंबवत दूरी भी सेम है। इसकी लंबवत दूरी ये होगी, इसकी लंबवत दूरी ये होगी, तो दो समांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी कभी बदलती नहीं। तो हम लोग इसका यूज करेंगे। अब हम लोग अपने थेल्स प्रमेय पे आते हैं। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, या इसको थेल्स प्रमेय भी बोला जाता है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो थ्योरम क्या होता है, कोई स्टेटमेंट होता है मैथमेटिक्स का। क्या मैथमेटिक्स का कोई भी स्टेटमेंट जिसको आप सिद्ध कर सकें लॉजिक से, और जो पुराने आपका, जो पुराना आपका ज्ञान है, जो पुरानी चीज़ें सिद्ध हो चुकी हैं उनका यूज करके आप किसी को प्रूव कर सकें, तो उसको क्या बोला जाता है, थ्योरम बोला जाता है, प्रमेय जो साध्य बोला जाता है, जिसको सिद्ध किया जा सके। तो आपकी बुक में प्रमेय 6.1 करके दिया है ये। प्रमेय 6.1 इसका स्टेटमेंट क्या है, यदि किसी त्रिभुज की यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए, तो ये शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में स्टेटमेंट क्या है कि अगर कोई भी त्रिभुज है आप उसकी किसी भुजा के समांतर कोई रेखा खींचिए, तो वो दोनों जो शेष दो भुजाएं होगी उनको कट करेंगी, तो जो जिस अनुपात में विभाजित करेंगी वो क्या होगा, बराबर होगा। कहने का मतलब क्या है कि ये ट्रायंगल हमने ले लिया ए बी सी,
ट्रायंगल एबीसी है। अब हम लोग क्या किए, बीसी के पैरेलल को ये रेखा खींचते हैं, ऐसा खींचता हूं कि पैरेलल दिखे अच्छे से। क्या किया हम लोगों ने, बीसी के समांतर एक डी रेखाखंड खींच दिया, बीसी समांतर डी। तो बीसी के समांतर आपने एक रेखा खींचा तो वो दोनों भुजाओं को दो बिंदुओं पे कट करेगी, तो इनका जो रेशियो होगा वो अनुपात होगा, तो क्या होगा, बराबर होता है, समान अनुपात, यानी ए डी अपान डी बी ए अपान सी। ये इफ देन, तो कोई भी जो थ्योरम होता है उसके दो पार्ट होते हैं। थ्योरम क्या बोलता है कि अगर ऐसा हो, अगला पार्ट होता है तो ये होना चाहिए या होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जो जो हो, जो कंडीशन होती है वो सेटिस्फाइड कहीं पे मिल जाती है, तो जो होना चाहिए उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, एक बार सिद्ध करने के बाद यूज कर लेते हैं। यानी कोई भी त्रिभुज अगर मिलेगा हमको, इसकी एक भुजा के समांतर ये रेखा अगर बोला जाएगा कि ये समांतर है और ये कट करेगी दो बिंदुओं पे, तो ये जो ए डी अपान डी बी होगा वो ए ई अपान सी होगा। ए ई अपान इसी लिखिए, ए ई अपान सी, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपका पूरा अंडरस्टैंडिंग हो गया और ये स्टेटमेंट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इसका प्रूफ देखेंगे। तो स्टेटमेंट क्या था कि कोई त्रिभुज आपको दिया रहेगा और त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखाखंड खींची जाएगी, ये तो आपको दिया रहेगा। तो मैं एक त्रिभुज ले लेता हूं ए बी सी, तो हम लोग जो स्टार्ट करते हैं, जो प्रूफ लेते हैं, उसमें पहले अलग से लिख लेते हैं कि आपको क्या पता है पहले से। एक पार्ट होता है दिया है, क्या आपका दिया है, तो यहां पे क्या दिया है, त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी और ये डी में ड्रा कर लेता हूं, त्रिभुज एबीसी और डी समांतर बीसी, डी पैरेलल बीसी, ये लिखने का तरीका है। दो रेखाखंड जब समांतर होते हैं तो ये निशान लगा देते हैं, डी समांतर बीसी। ये आपको पता है कि ट्रायंगल एबीसी आपका दिया रहेगा और ये भी पता है कि बीसी समांतर डी। अब आपको सिद्ध करना है, दूसरा पार्ट होता है, दूसरा पार्ट हम लोग क्या लिखते हैं, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि ये समान अनुपात में विभाजित करती है, मतलब ए डी अपान डी बी बराबर ए ई अपान ए डी अपान डी बी बराबर ए ई अपान सी। ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, तो ये जो यहां से शुरू होता है उसको प्रूफ बोला जाता है। वो दो चीजें तो हम लोग पहले पहले लिख लेते हैं। अब हम प्रूफ करने के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। ये जो डी से ए वाली है रेखाखंड, इस पे क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, लंब, एक ये लंब ड्रा कर दिया। फिर क्या करते हैं, जो ई बिंदु से क्या करते हैं, इस रेखाखंड पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं ये। तो हम लोगों ने क्या किया, दो रचनाएं करी कि इसको L बोल देते हैं और इसको M।
दो पॉइंट किया कि डी से रेखाखंड, डी से रेखाखंड ई पर लंब तथा ई से रेखाखंड एडी पर लंब, एडी कहें आप या एबी कहें या एई कहें या एसी कहें, बात तो एक ही है, तथा एई से रेखाखंड एडी पर लंब खींचा। ये हम लोग को रचना करना जरूरी है, ये हम लोग कर लिए। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो ट्रायंगल है ADE है, आप ध्यान से देखिए, दोबारा बना दें, ट्रायंगल ADE हम लोग क्या लिखना चाहते हैं, ADE का एरिया, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, त्रिभुज ADE का एरिया, आपका ADE ये है, ADE ये भी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है, ये एल है, और एक और पता है ए एम है। तो एरिया हम लोग क्या लिखते हैं, 1/2 इंटू आधार, तो आधार हम लोग क्या ले लेते हैं, आधार ए डी ई का एरिया निकाल रहे हैं, तो आधार ए डी को ले लेते हैं, तो संगत ऊंचाई क्या हो जाएगी, ई एल, तो एरिया क्या हो जाएगा, ए डी हाफ ए डी इंटू ई एल, इसको आप आधार मानेंगे तो हाफ आधार इंटू संगत ऊंचाई। फिर हम एक तरीके से और लिखते हैं, एरिया ट्रायंगल ए डी ई, ये 1/2 इंटू, अब आधार इसको लेके चलते हैं ए ई को, तो ये क्या हो जाएगा, आधार ए ई इंटू डी एल, ए इंटू डी एल। ये दो चीज हम लोगों ने कर लिया। अब फिर क्या करते हैं, एक बार एक और एरिया लिखते हैं, एक चीज और देख लेते हैं, जो ए डी ई का एरिया है, आप इस तरीके से लिखो या इस तरीके से लिखो, ट्रायंगल आपका तो वही है, ए डी ई का एरिया दो तरीके से आप लिखेंगे तो ये चेंज नहीं होगा। तो ये हमको पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बराबर एरिया ऑफ, ये वही चीज है कि ये दोनों इक्वल होंगे, ये हम लोग यूज करेंगे। फिर एरिया लिखते हैं आपका, एरिया लिखते हैं हम लोग, एरिया ट्रायंगल बी डी ई ये, इसको यहाँ से मिला देते हैं, ये ट्रायंगल कंप्लीट करने के लिए, और इसको यहाँ से, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, तो ये क्या होगा, हाफ आधार आपका है बी डी इंटू, क्या चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो बी डी
बी डी पे बी डी ई का निकाल रहे हैं आप, बी डी ई, तो ई से क्या चाहिए, बी डी पर लंबवत दूरी, तो बी डी पे तो लंबवत दूरी होगा यानी बी डी को आगे बढ़ाने पर तब ई से लंब जाएगा, तो ये ई एम ही क्या होगा, लंबवत दूरी होगा। आप इसको ऐसा समझिए कि मान लीजिए आपका ये ट्रायंगल है, आपका ट्रायंगल ए बी सी आपका ये है, तो एरिया ट्रायंगल ए बी सी आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हाफ आधार बी सी इंटू लंबवत दूरी, तो लंबवत दूरी यहाँ से इसको कहीं पे यहाँ पे मिलाएंगे आप तो लंब नहीं होगा, तो लंबवत दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ा के फिर ये लंब ड्रा करेंगे, तो ये होगा लंबवत दूरी AL। तो ऐसे एरिया हम लोग लिखते हैं, तो जब बी डी ई का हम लोगों ने एरिया लिखा तो बेस बी डी हो गया आधार, और ई से बी डी पे लंब तो ई एम हो गया, फिर एरिया सी डी ई लिखते हैं, एरिया ट्रायंगल सी डी ई, देखिए सी डी सी डी ई, तो अब हम लोग कैसे लिखते हैं कि ये आधार क्या मानते हैं सी, तो क्या हो जाएगा हाफ आधार क्या है आपका सी और इंटू सी पे लंबवत दूरी कहाँ से डी से, तो डी से जो लंबवत दूरी सी पे क्या है वो डी एल है। ये आपका हम लोगों ने लिख लिया, चार तरीके से एरिया लिख लिया। इसको इक्वेशन बोल देते हैं वन, इसको टू, इसको थ्री, इसको फोर। अब आप क्या करिए, पहले इक्वेशन और तीसरे को डिवाइड कर दीजिए, फर्स्ट अपॉन थर्ड। पहला जो इक्वेशन है तो आपका क्या आ जाएगा, एरिया ट्रायंगल ए डी ई अपॉन थर्ड इक्वेशन आपका ये है, तो इसका ये हो जाएगा एरिया ट्रायंगल बी डी ई, और ये क्या हो जाएगा ऊपर हाफ ए डी इंटू ई एल, ए डी इंटू ई एल अपान वन बाई टू बी डी इंटू ई एम, बी डी इंटू ई एम। और फिर सेकेंड और फोर्थ को डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा एरिया ट्रायंगल ए डी ई अपान एरिया ट्रायंगल सी डी ई, ऊपर वाला ए डी ई क्या हो गया हाफ ए इंटू डी एल, हाफ ए इंटू डी एल, और ये क्या हो गया हाफ डी सी ई ए सी इंटू डी एल, सी इंटू डी एल। ये जो ए डी ई का एरिया हम लोगों ने लिखा है, ए डी ई ट्रायंगल ए डी ई, तो हाफ बेस ए डी है इंटू ई एल नहीं, ये ई एम है ई एम, और इसको जब आधार माना है ए ई इंटू डी एल, तो ये ई एल नहीं है, ये क्या है ई एम है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, क्योंकि जब त्रिभुज का एरिया लिखते हैं तो आप क्या लिखते हैं वन बाई टू इंटू जिसको आधार मानते हैं आधार, और उस आधार पे उसके सामने वाले शीर्ष से लंबवत दूरी, तो ए डी ई का एरिया जब हम लोग लिखने चले तो आधार ए डी को लिया तो इसका शीर्ष ई से लंबवत दूरी, तो ये ई एम, तो यहाँ पे हल्का सा चेंज होगा, ये ई एम हो गया। और एक पॉइंट और देखिए, जो ये क्षेत्रफल देखिए कि जो बी डी ई का एरिया है, बी डी ई, ये बी डी ई क्या है,
बी डी आधार डी और डी समांतर बी सी है, तो आधार डी पे देखिए दो ट्रायंगल बना है, ट्रायंगल डी बी ई और ट्रायंगल डी सी ई। इस आधार डी पे दो त्रिभुज बना है दो समांतर रेखाओं के बीच में, तो इनका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। हम लोगों ने पता है कि दो बराबर आधार तथा दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, तो एरिया डी बी ई और डी सी ई का हम लोग क्या रखेंगे, बराबर कर देंगे। अब यहां से पहले इसको देख लेते हैं, एरिया ट्रायंगल ए डी ई पान एरिया ट्रायंगल बी डी ई इक्वल टू, यहाँ से ई एम कैंसिल हो गया, 1/2 1/2 कैंसिल हो गया, आपका सीधा सीधा यहाँ से क्या आ गया, ए डी अपान डी बी। फिर अगला देख लेते हैं, एरिया ट्रायंगल ए डी ई पान एरिया ट्रायंगल सी डी ई, यहाँ से 1/2 1/2 कैंसिल हो गया, डीएल डीएल कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका ए ई अपान सी। तो हम लोग अब क्या करेंगे, ट्रायंगल डी बी ई का एरिया और डी सी ई का एरिया बराबर है, इसको कैसे लिखेंगे कि बराबर आधार डी, एक ही आधार डी तथा एक ही समांतर रेखाओं डी तथा बी सी के बीच दो त्रिभुज हैं डी ई सी और डी बी ई, तो दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से हम लोग लिख देते हैं कि एरिया ट्रायंगल बी डी ई बराबर एरिया ट्रायंगल डी सी ई। ये क्यों लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे एक ही आधार डी पर तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता था, एक ही समांतर रेखाओं तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज है, इसीलिए इनका क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। तो एरिया बी डी ई बराबर एरिया सी डी ई, तो आप यहां पे चाहे बी डी ई की जगह सी डी ई रख दीजिए, चाहे यहां रख दीजिए, तो अब हम लोगों का ये क्या हो गया, रखने पर किसी एक इसको फिर इक्वेशन मान लेते हैं 5, इसको इक्वेशन 6, तो इक्वेशन 5 में समीकरण 5 में एरिया ट्रायंगल बी डी ई बराबर एरिया ट्रायंगल डी सी ई रखने पर, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एरिया ट्रायंगल ए डी ई अपान बी डी ई के एरिया की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, डी सी ई का एरिया, एरिया ट्रायंगल डी सी ई इक्वल टू आपका ये आ गया ए डी अपान डी बी। और जो ये इक्वेशन है उसको ऐसे ही लिख लेते हैं, ये ट्रायंगल एरिया ट्रायंगल ए डी ई अपान एरिया ट्रायंगल सी डी ई ए ई अपान सी। अब यहाँ से देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड दोनों का सेम है, लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी दोनों इक्वेशन का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहां से आपको क्या आ गया, कि ये लेफ्ट हैंड साइड देखिए ये किसके इक्वल है, एडी अपान डीबी के, और वही सेम चीज किसके इक्वल है, ए अपान सी के इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। यानी यहां से इस समीकरण को इसको मान लेते हैं समीकरण ए समीकरण बी या 5-6 समीकरण 7 समीकरण 8 समीकरण 7 तथा 8 से
दोनों वैल्यू इक्वल कर देंगे आप, तो ए डी अपान डी बी बराबर ए ई अपान सी, ये आपको पता चल गया। ए डी अपान डी बी बराबर ए ई अपान सी, आप क्या कहेंगे कि यही सिद्ध करना था। तो ये जो प्रूफ होता है इसमें काफ़ी चीज़ें यूज होती हैं, तो आप प्रूफ को अगर लॉजिकली समझ लेंगे तो फिर ज्योमेट्री के जो क्वेश्चन हैं वो एकदम पिद्दी पिद्दी क्वेश्चन लगेंगे, छोटे छोटे लगेंगे, और इसको समझने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप लॉजिक से स्टेप से समझिए। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, आपको क्या है आपका बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या है कि कोई त्रिभुज आपका दिया है, उस त्रिभुज की एक भुजा के समांतर आप कोई रेखाखंड खींचिए तो वो जो दोनों भुजाओं को विभाजित करती है उनका अनुपात समान होता है। यानी त्रिभुज एबीसी आपका दिया है, आपने क्या किया बीसी के समांतर डीई खींचा, तो बीसी के समांतर अगर डीई है तो एडी अपान डीबी बराबर एई अपान सी, ये हमको सिद्ध करना है। तो हम लोगों ने क्या लिखा कि दिया है त्रिभुज एबीसी और जिसमें बीसी के समांतर डीई खींचा, और हमको सिद्ध क्या करना है ए डी अपान डी बी बराबर ए ई अपान सी। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो ट्रेंगल ए डी ई है यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं, लंब रेखा इस पे ए डी पे और यहाँ डी से इस पे ड्रा कर लेते हैं। अब हम लोग एरिया ट्रेंगल ए डी ई लिखते हैं, तो ट्रेंगल एरिया ए डी ई क्या होगा, त्रिभुज का एरिया हाफ आधार इंटू संगत ऊंचाई, तो आधार हाफ ए डी, अगर आधार इसको मानेंगे तो संगत ऊंचाई ये होगा, तो एक बार लिख लिया हाफ ए डी इंटू ई एम, फिर उसी का एक बार इसको आधार मान के लिख लिया तो इसका एरिया हो जाएगा एरिया ए डी हाफ ए ई इंटू लंबवत दूरी डी एल, दो ही क्वेश्चन बन गया। अब हम लोग क्या करते हैं ट्रेंगल बी डी ई का एरिया लिखते हैं बी डी को आधार मान के, तो जब बी डी को आधार मानेंगे बी डी ई का, तो ई से बी डी पे लंब चाहिए, तो लंब क्या है लंबवत दूरी ई एम है, तो इसका एरिया क्या आ गया हाफ बी डी इंटू ई एम, फिर सी डी ई का एरिया लिखते हैं, फिर इसको आधार मान के हाफ सी इंटू डी एल। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो डी ई डी बी ई और डी सी ई है ये इसी आधार डी ई पर बने दो त्रिभुज हैं, दो त्रिभुज हैं और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं, यानी इन दोनों का एरिया बराबर होगा। बस हम लोगों ने बस यही किया, डिवाइड कर दिया, फिर इस रिजल्ट तक हम लोग पहुंच गए ए डी अपान डी बी बराबर ए ई अपान सी। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया इसका प्रूविंग, अब हम लोग क्या करेंगे इस पर क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन तो बहुत इजी होते हैं, तो इसमें कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत बड़ा थ्योरम सीधा सीधा बात है कि अगर एक भुजा के समांतर आपने कोई रेखा खींच दिया तो अगली दो भुजाओं को वो समान अनुपात में विभाजित करेगी, बस बात खत्म। और प्रूफ करने के लिए कुछ पुरानी चीज़ों की भी ज़रूरत थी, उसको भी मैंने बता दिया। तो ये आपका प्रूविंग हो गया, हम लोग क्या करेंगे इसके आगे क्या करेंगे, इसका अपोजिट लेंगे। अपोजिट का मतलब इसका विपरीत सही हो है कि नहीं, एक थ्योरम वो और होगा उसके बाद क्वेश्चन लेंगे हम लोग। तो अपोजिट या विपरीत किसी भी थ्योरम का क्या होता है कि कोई थ्योरम क्या कहता है कि ये अगर दिया है तो ये होगा, तो विपरीत में क्या होता है जो होना चाहिए जो होगा वो दिया रहेगा, तो क्या ये होगा ये हम लोग चेक करेंगे अगले लेक्चर में। और बस यहीं पे स्टॉप करते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन लेंगे हम लोग। दो थ्योरम है आपका, एक ये और इसका अपोजिट थ्योरम विपरीत। तो थ्योरम में ये ज्योमेट्री की पहली प्रूविंग थी, तो आपको थोड़ा हार्ड लग सकता है लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं, एकदम बेहद इजी होता है, इसमें कुछ करना नहीं है आपको। अगर बेसिक चीज़ें आपकी मजबूत है, बेसिक चीज़ें सही आती है जो कि मैं एक एक चीज़ें बता दे रहा हूँ, तो फिर कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिर यहीं तक रखते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।